ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के साथ कन्नौज की कांग्रेस की संभावित प्रत्याशी किरण वर्मा ने सर्कल ऐप से की खास बातचीत। खास बातचीत में कहा है कि भाजपा सरकार से जनता त्रस्त हो चुकी है, अब महिलाएं और छात्राएं परिवर्तन चाहती है। देखिए खास रिपोर्ट कन्नौज से हमारे जिला संवाददाता शिवू सैनी ने बात की, आइए सुनाते हैं। 2022 को लेकर चुनाव की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। हम मौजूद हैं कन्नौज में, इनसे बात करते हैं जो कांग्रेस की किरण वर्मा जी हैं। ये काफी मुद्दे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण वर्मा, मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मेंबर हूं और महिला प्रदेश सचिव भी रह चुकी हूं। तो आपकी क्या चुनाव को लेकर तैयारियाँ हैं आपकी? देखिए यहाँ पर चुनाव को लेकर के बहुत अच्छे से तैयारियाँ चल रही हैं और लगातार जारी भी हैं तैयारियाँ और आगे तक चलती रहेंगी। तो क्या कांग्रेस सरकार गरीबों के लिए सरकार आएगी? तो देखिए ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने नारा दिया है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। लड़की हूँ लड़ सकती का जो नारा दिया है उसको लेकर के महिलाओं में बेटियों में जोश तो वैसे भी बढ़ गया है और हम देख रहे हैं क्षेत्रों में जा रहे हैं बात देख रहे हैं कि महिलाओं में बेटियों में बहुत ज़बरदस्त जोश है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। जब जाती हूँ तो लोगों के अंदर चेहरे खिल जाते हैं कि बहुत अच्छा नारा माननीय हमारी आदरणीय प्रियंका जी ने दिया है। लेकिन जो नहीं जानती है तो वो पूछते भी हैं कि दीदी हमारी दीदी क्या करेंगी, तो उनको हम उनकी प्रतिज्ञाएँ बताते हैं। जैसे कि उनकी पहली प्रतिज्ञा है टिकटों में महिलाओं को 40% हिस्सेदारी देंगे, वो उन्होंने करके दिखा दिया है, 40% हिस्सेदारी दे दी है। दूसरी है कि छात्राओं को हम स्मार्टफोन देंगे, वो भी सरकार आने पर देंगे, ठीक है। तीसरा है सालाना 3 गैस सिलेंडर देंगे। चौथा है महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री चलाई जाएगी। पांचवा है नए सरकारी पदों में आरक्षण प्रावधानों के अनुसार 40% महिलाओं को नियुक्त किया जाएगा। महिलाओं का मतलब हमारी जो रोजगार में बेटियां बहनें आती हैं उनके लिए। जैसे कि एक महिला ने कहा था ना 50 साल की हैं तो मतलब जो महिलाएँ हैं लड़की हैं, तो बोलने के भी ऊपर बात है कि किस तरह से भाषा का यूज करते हैं लोग। उसके बाद में 1000 पर प्रतिमा वृद्धावस्था पेंशन दी जाएगी अगर हमारी सरकार आती है। उसके बाद में जो आंगनबाड़ी हमारी आशा बहुएं हैं उनके लिए 10,000 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। उसके बाद में हमारे प्रदेश में जो वीरांगनाएं हैं, जो वीरांगनाएं हैं उनके 75% दक्षता विद्यालय बनाए जाएंगे अगर हमारी सरकार आती है। हमारी सरकार आती है तो किसानों का पूरा कर्जा माफ हो जाएगा। हमारी सरकार आती है तो 2500 रुपये का गेहूँ का मूल्य हो जाएगा, 2500 धान का, 400 रुपये गन्ने का हो जाएगा मूल। अगर हमारी सरकार आती है तो बिजली का बिल जो है हाफ हो जाएगा और कोरोना काल का बिल्कुल साफ हो जाएगा। और जो आर्थिक से मारे हुए कोरोना काल से उनके लिए 25,000 रुपये दिया जाएगा, ठीक है। और जो 20 लाख सरकारी रोजगार हैं उनमें संविदा कर्मी और ठेका कर्मचारियों का नियमितीकरण भी होगा, ठीक है। अगर कोई बीमारी किसी को किसी प्रकार की हो जाती है तो उनका 10 लाख रुपये तक का फ्री इलाज किया जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि और जो 20 लाख सरकारी रोजगार हैं उनमें संविदा कर्मी और ठेका कर्मचारियों का नियमितीकरण भी होगा, ठीक है। अगर कोई बीमारी किसी को किसी प्रकार की हो जाती है तो उनका 10 लाख रुपये तक का फ्री इलाज किया जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि कांग्रेस कह हमारी जो आज की सरकार वर्तमान सरकार है वो कह रही है कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने घोटाला किया। हम इस वर्तमान सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि अगर कांग्रेस ने घोटाला किया तो आप बेच क्या रहे हो? जो IIT कंपनियां किसने बनाई हैं ये बताएं हमारे लिए। विद्यालय में प्राइमरी सरकारी स्कूल किसने बनाए हैं ये बताएं हमारे लिए। जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं वो किसने बनाए हैं हमें ये सरकार बताए। जो गरीब दलितों के लिए मतलब जो है पट्टा दिया है वो किसने दिया है हमें ये बताएं। रोड जो गांव गांव पहुंचाए हैं ये किसने पहुंचाए हैं जरा हमें बताएं। वर्तमान सरकार ये सारा कांग्रेस ने ही किया। आज हम जिस फोन का यूज करते हैं ये हमारे आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी की देन है जिसपे हम आज बात कर रहे हैं और कहते हैं कि कांग्रेस ने किया क्या। कांग्रेस ने तो वो किया है, शहादत दी है। राजीव गांधी ने शहादत दी, इंदिरा जी ने शहादत दी, आज उनकी पोती भी आ गई है मैदान में, उनको डर नहीं लगता अपनी जान का। टिकट मिलती है आपको कन्नौज से तो आप किस तरह विकास करेंगे? अगर हमारा हाई कमान हमको स्लैक समझते हैं और हमको मैदान में उतारते हैं तो मैं सबसे पहले मेरा पहला मुद्दा शिक्षा का रहेगा जिसमें मेरी बेटियों के लिए बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा दिलाई जा सके। दूसरा मुद्दा रहेगा विकास पर, जो विकास नहीं हुआ उस विकास की तरफ हम ध्यान करेंगे।
विकास को कानून व्यवस्था को मतलब जो है मजबूत करने का प्रयास करेंगे, ये हमारा मुद्दा रहेगा और हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें उसके लिए मैं हमेशा खड़ी रहूंगी उन लोगों के बीच में। आपको क्या नाम है? अनीता। अनीता जी, आपको एक नारा आया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो उस पर क्या आपका कहना है? उस पर मेरा ये कहना है, जैसे कि आप जानते हैं कि सारी सरकारें आ चुकी हैं, तो सारी सरकारें देख चुके हैं हम, पर कुछ हमें उसमें ठीक नहीं लगा, तो अब हम कांग्रेस को ही देखना चाहते हैं और उनकी जो ये उन्होंने घोषणा पत्र दिया है उन्होंने सही से पढ़ा है, तो उसमें जो भी चीज़ें दी हैं सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए ही है, जैसे वो सबको एक आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं हर लड़की को, तो इसीलिए हम कांग्रेस को ही वोट देंगे। आपको क्या नाम है? नेहा। नेहा जी, आप एक नारा आया है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उस पर क्या आपको कैसा चाहते हैं? जी देखिए, जैसे कि अभी तक BSP सपा और BJP ये सारी सरकारें हैं, हमने सबको देख लिया और हमको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी ठीक नहीं लगा, और ना तो हम लड़कियों के लिए कोई मतलब अच्छा कुछ है, बाहर जाने में डर, ये सब चीज़ें हैं। तो अब एक नारा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो प्रियंका गांधी कांग्रेस से हैं, समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी ठीक नहीं लगा, और ना तो हम लड़कियों के लिए कोई मतलब अच्छा कुछ है, बाहर जाने में डर, ये सब चीज़ें हैं। तो अब एक नारा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो प्रियंका गांधी कांग्रेस से हैं, अब हम ये चाहते हैं कि हम इनको भी देखें क्योंकि सबको मौका मिलना चाहिए, तो अब इस सरकार को भी मौका मिलना चाहिए और हम चाहते हैं कि ये सरकार आए और हम इसी को सपोर्ट करें। भाजपा जी, एक नारा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उस पर क्या आपका मतलब भाजपा सरकार है तो कैसा आपको महसूस कर रही है? जो भाजपा सरकार है उसमें तो मतलब बहुत ही असुरक्षित महसूस हो रहा है जी, ठीक है, और मतलब चाहते हैं कि प्रियंका गांधी जी की सरकार है, वो लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा विकास कर रही हैं, मतलब कह रही हैं, मतलब अगर उनकी सरकार आती है तो वो बहुत ज़्यादा विकास करेंगी लड़कियों के लिए, ठीक है। तो भाजपा सरकार में आपको कैसा लग रहा है? सरकार तो भाजपा की है। हाँ सरकार इस टाइम पे भाजपा है सरकार, लेकिन वो सरकार इतनी नहीं है क्योंकि उसमें मतलब लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ है जी, हर जगह लड़कियों के ही साथ हुआ है, अगर कहीं पे कोई लड़की अगर गई है उसके साथ अगर कभी दुष्कर्म किया है तो उसको सजा नहीं मिली है। हम तो मतलब ये चाहते हैं कि अगर प्रियंका गांधी जी आएंगी, अगर पहली बार तो लड़कियों के साथ ऐसा हो नहीं, और अगर लड़कियों के साथ कहीं भी कभी भी ऐसा हो तो उसको मतलब कड़ी से कड़ी सजा भी मिले। जैसे बताया इन्होंने भाजपा सरकार में लड़की नहीं सुरक्षित है, इन्होंने भावना जी ने ऐसे बताया है, कांग्रेस की सरकार आएगी तो बेटियों को शिक्षा भी मिलेगी, पूरी सुविधा मिलेगी गरीबों को। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24 न्यूज़।